झरना देता है, ये नहीं सोचता यार रेलवे लाइन के बीच में झरना नहीं देते। एक ही वक्त में कई लोगों को सेम कॉन्शियसनेस की जो माइंड होती है चीजें देती है। सेम ये जो आपका प्लॉट है कब्रिस्तान का, रुके आ रही बात कर रही है, वो बस अपनी कहानी है प्रिपेयर्ड, आपका मन करेगा पढ़ सकते हैं। दो कहानियां हैं जिसमें कि एक एक आदमी की वाइफ मर गई है और आके बैठा हुआ है, सोचते चौकीदार के बिना ले रात गुजारने, कभी वाइफ के साथ इतना समय नहीं दी तो आज ही दे देते। धीरे धीरे हर कब्र से लोग निकलते हैं और बोलते हैं कि जो लिखा हुआ है कि बहुत अच्छे थे, नेक दिन थे, वो नहीं है, जैसे मैंने ये क्राइम किया है। करते करते फिर बाद में उनका ये होता है कि उनकी वाइफ भी, उनको लगता है कि मेरी वाइफ भी तो ऐसा नहीं बोल रही है, बारिश में जुकाम से मर गई, तो वो भी निकलती है और बोली कि नहीं, वो अपने प्रियतम से मिलने गई थी, अपने पति को छुपा के इसलिए सब आता है। एक और आता है, एक लड़का कब्र खोद के अपनी महबूबा से मिल रहा था, जब उसको खोद में फांसी होती है, तो ये जो रूम का बाहर आना है, ये पहले बाल जाक और मोपासा में खूब आया है। फिर अगर हम लोग देखते हैं पावर वो आवर ऑफ बर्गमैन की फिल्म, उन्होंने खुद देखी हुई, उसमें भी ऐसी कहानी अलग है। और बर्गमैन की फिल्म खुद उन्होंने स्क्रिप्ट इसकी खुद ही लिखी, कहानी भी उन्हीं की थी, क्योंकि आवर ऑफ फिर उसको एलिस्ट्रेट किया सेवन से में। ऐसी और बनारस में याकूब यावर है, मैं जानती हूँ डॉक्टर याकूब यावर, उन्होंने पूरे आकाश कश्मीर लिखा, उर्दू अकेडमी के लिए पूरा उन्होंने ऑमनिबस पर काम किया, तो उन्होंने भी एक ऐसा नाटक लिखा है और आपने भी लिखा है। ये ऊपर वाला कैसे चुनता है अच्छी चीजें एक ही बार में कई लोगों को देने के लिए, वो बहुत मैंने सौभाग्यशाली होता होगा कि हमें तो नहीं देता है, एक आपको दिया, एक याकूब यावर को दिया, एक मोबासा को दिया, एक बर्गमैन को दिया। ये सब मैं मेरे जहन में चल रही है। अब आखिर में वो क्या है परमेश्वर, तो नहीं क्या हम लोग का क्या बनाया गया ना एक्सपर्ट वो वाला मुझे लास्ट में एक बार कहना ही है कि नाट्य कला जो जिसमें स्ट्रक्चर दिया जाता है उसको मुझे लगता है मुझे नवाब सिरजत द्वारा कलकत्ता में पढ़ा है, उत्पल दत्त ने काफी प्रेस किया, हमारे गुरु थे, फिर आगे भी होता है शंभू मित्र से लेकर यहाँ उसके आगे भी हम लोग जा सकते हैं, मैंने फॉर्म वाइज, क्योंकि फॉर्म जो होता है वो आइडिया भी होता है, इसमें जिसको कल हम बोल रहे थे इसका रियलाइजेशन ही फॉर्म है, फॉर्म अलग से कि हमको रिएक्टन लाए छऊ लाए वो इसलिए कोई आइडिया ही नहीं होता है। और शास्त्रीय रंगमंच में भी भारत में देखते हैं, पांडित्य जी भी करते थे और भी कबीर दत्त त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं, मैंने उनसे बोला कि अगर शास्त्रीय रंगकर्म कर रहे हैं तो उसमें आप छऊ लोक शैली क्यों ले रहे हैं, आप भरतनाट्यम ले सकते हैं, जब पहली लोग और शास्त्री को अलग किया गया है। तो फॉर्म तो बीच में ही होता है क्योंकि उसमें बीज बिंदु पता का प्रेरणी का है, पांचवे स्ट्रक्चर होता है। क्या हम उन सबको भी नहीं पढ़ लेंगे, मतलब हम लोग प्लेज अच्छे पढ़ते हैं वर्ल्ड के जितने भी, स्ट्रीनबर्ग के हों, रविनाथ के हों, अरविंदो के हों, स्वप्न वासवदत्ता पर, लेकिन हमारी जो भारतीय रंगमंच का जो ड्रामेटिक्स है उसमें जो फंडामेंटल चीजें बताई गई हैं वो सार्वकालिक है, क्योंकि हमारे यूनिटी का कॉन्सेप्ट टाइम प्लेस एक्शन का नहीं है, वो अरिस्टोटल है। हमारे यहाँ इंडी पर्सनल माइंड और यूनिवर्सल माइंड में जो यूनिटी होता है वो ड्रामा की यूनिटी है। ऐसे में वो जो उन लोगों की स्ट्रक्चर बना दिया गया हमारे बेस में, हमारे जो नाट्यशास्त्र है जो संस्कृत ड्रामेटिक कन्फाइंड करके रखा गया है कुछ पंडितों का, उससे हम शेक्सपियर का भी नाटक खेल सकते हैं, चेखोव का भी, और ये भी। तो उसके अनुसार उसमें जो चीज जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं ड्रामा लिखने के, क्यों हम एक बार उसको पलटते, क्या अगर पलटना कोई गुनाह है अगर हम उसको देख ले, तो हमको हर वक्त हम किसी भी नाटक का आपके अपने ही नाटक को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, माने और खूबसूरती ला सकते हैं, और खूबसूरती लाने के लिए ही बनाया नहीं गया है वो, कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स है बहुत फिक्स्ड वो नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। उन्होंने इतनी खूबसूरत चीजें बता दी हैं कि हर काल हर देश काल में आप अपना एक लैंग्वेज डेवलप कर सकें। तो मैं कभी, चूंकि मुझे अभी आपके प्रेजेंटेशन से लगा कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था, हल्का सा इशारा किया, ये कोई ऐसा चीज नहीं कह रहा कि आप इस पर जवाब भी दें, जैसे मन किया रात में आप ट्रेन में या फ्लाइट में मुबासा वाली कहानी पढ़ लिए, वैसे कभी थोड़ा सा नाट्यशास्त्र हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, बाकी और लोग बोले मुझे बचा बोलने को बोल दिया गया तो मैं बोलता चला गया।